अब बोलो। हाय फ्रेंड, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। अभी मैं बच्चों के कमरे में आई हूँ, तो अब ये हो रहा है कि ये किसका है। तो अभी स्टडी रूम ये बना हुआ है और इसमें छोटी स्टडी करती है, फिर कभी कभी बड़ी भी आ जाती है स्टडी करने के लिए। और वो इस रूम में क्यों आती है वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि उस रूम को ना ये लोग चिड़ियाघर बना दिए हैं, तो उस रूम में फैन नहीं चलाती है, तो इसलिए इधर आती है, क्योंकि चिड़िया घोंसला बना दी है। तो वो बाद में आपको दिखाऊंगी कि पंखे से कहीं कट ना जाए, इसलिए इधर आ जाती है। तो इस बार क्या हुआ ना कि हमें शॉपिंग भी की हुई हूँ और 300 हमें मिला भी है, तो और क्या क्या आया है वो भी दिखाऊंगी आपको। और यहाँ रह अभी ये लोग मुझे बीच बीच में आकर के टोक देती है, जैसे मैं टोकती हूँ ना इन लोग को, वैसे ही। तो एक्चुअल में मैं सोची कि चलो वीडियो बना देती हूँ तो सबको पता भी चल जाएगा। और जो मैं अमेजोन से सामान मंगाई हूँ तो वो खाने पीने का चीज़ है, तो खाने पीने चीज़ या जो स्टेशनरी होता है या जो हम कुछ खाने पीने का मंगाते हैं तो उसमें होम डिलीवरी चार्ज लगता है, चाहे आप 100 मंगाओ चाहे 500 का मंगाओ, उसमें लगता है। बाकी जब हम कुछ क्लॉथ वगैरह या कुछ और मंगाते हैं तो उसमें रेट के हिसाब से किसी में लगता है किसी में नहीं लगता है। तो मैं ये बता रही हूँ कि हमें सामान में 300 हमें मिला भी है, यानी हमें बोनस मिला है। और ऐसा क्या सामान था जो हमारे सिटी में नहीं मिला और ये उत्तराखंड से आया है, वो भी काफ़ी सील किया हुआ। तो ऑनलाइन आया तो हम लोग देख करके ये कर रहे थे कि देखो कोई महाराष्ट्र से है कोई उत्तराखंड से है, तो वो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले दिखाती हूँ कि हमें 300 बोनस किस चीज़ में मिला। तो चलिए, वो मेरी बेटी स्टडी कर रही है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगी मेरे बोलने से, पर 5-10 मिनट का काम है, कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये काजू का पैकिंग है और मैं पहले इसको इधर रख देती हूँ। और ये काजू का पैकेट जो है ना, ये पैकेट और था, ये देखिए, ये 2 पैकेट है काजू का। तो ये बहुत अच्छे से पैक होकर के आया था, तो ऊपर का कार्टून तो मैं अच्छे से निकाल दी, क्योंकि इसे अटैच करके अंदर रखती हूँ और 2-3 दिन रखने के बाद ही फिर वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि बारी बारी से सारा सामान आया था। तो ये काजू, घर में ड्राई फ्रूट्स ख़त्म था तो मैं बोली चलो बाहर क्यों जाना, मंगा लेते, तो रेट कम ज़्यादा लगभग बराबर ही होता है, यानी कि ज़्यादा महंगा मुझे नहीं पड़ा। 950 रुपया केजी ये है। पूरा सबका रेट तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि एक एक सामान का रेट देखते नहीं है, बस रेट लगभग सेम दुकान का ही है, जो हम बाहर से लाते हैं, मॉल से लाते हैं या दुकान से लाते हैं, तो वैसा ही रेट आपको मिलेगा। और मैं कोई अमेजोन का क्या बोलते हैं जो शॉपिंग कर रही हूँ, तो उसका ये नहीं कि उसके लिए स्पेशल वीडियो बना रही हूँ, पर मैं जो कर रही हूँ ना, जो मैं करती हूँ, तो वो अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेन मार्केट वाला ही रेट है, मार्केट में भी आपको सस्ते महंगे सब तरह से मिलते हैं, तो इस तरह से अमेजोन में भी सस्ता महंगा सब मिलता है। पर मैं इसको खोल के नहीं देखी हूँ, क्योंकि अभी तक तो जैसे मॉल जाती थी ना, वहाँ से लेकर के आ जाती थी, तो अभी कुछ ज़्यादा बाहर नहीं जाने का मन करता है, तो इसलिए मंगवाई थी। तो अभी मैं पैकेट भी खोल के दिखा देती हूँ, इस तरह से देखिए है ना, बिल्कुल फ्रेश। तो इसी बहाना पैकेट खुल गया, नहीं तो ये रखा ही रह जाता। इसी तरह से मैं बाद में खोलूंगी और भी दिखा देती हूँ। इसमें ये अंजीर है, तो अंजीर भी 1 केजी है, तो इसका भी रेट मार्केट वाला ही रेट है, और वो तो मैं आपको बता ही दी कि मार्केट में भी हर तरह का मिलता है, तो ये अच्छी क्वालिटी वाली है। तो ये 1 केजी अंजीर हो गया, और दिखा देती हूँ ये है खजूर। तो ये सब चीज़ ना, ये भी मैं अंजीर भी खोल, ये देखिए इसकी क्वालिटी, ये भी बहुत अच्छी है। मैं किसी को खोल के नहीं देखी हूँ, बस मैं सोची कि अब निकाल लूँगी तो वो आप देख लीजिए, और नहीं होगा तो मैं प्लेट में भी निकाल के आपको दिखा दूँगी, पर याद रहा तो, क्योंकि वीडियो शूट करने के बाद कभी कभी ना हम लोग भूल जाते हैं। तो ये है खजूर का पैकेट, तो ये देखिए ये वाली खजूर है। तो सब कुछ तो अवेलेबल हो जाता है घर में। ये किशमिश, ये भी अच्छी क्वालिटी है, ये तो हम लोग जब बंसल या डीमार्ट जाते हैं ना, वहाँ से भी सेम ही ब्रांड का लेकर के आते हैं। तो ये हो गया ड्राई फ्रूट्स, और दिखा देती हूँ कि ये कलरफुल पेन आए हैं। ये तो पैकेट सब निकाल दी थी, क्योंकि जब सैनिटाइज की थी ना तो पैकेट में अच्छे से था, पर
अच्छा पैकिंग था इसका, पैकेट भी काफ़ी खूबसूरत था, पर निकाल के बच्चे लोग अपना स्टैंड में रखे। इस तरह से कलरफुल पेन है। तो एक में 10 पीस का सेट था, पर 10 पीस में क्या हुआ पता है, एक पीस नहीं आया, यानी कि एक में 9 था और एक में 10 था। तो फिर रिटर्न कौन करता है एक पेन के लिए, तो मैं नहीं की, सारे कलर के हैं पर एक ब्लैक इसमें से मिसिंग था। पर इसमें क्या होता ना कि स्टेशनरी से जब लोग पैक कर रहे होंगे तो उस टाइम ध्यान नहीं दिए होंगे, चाहे जो भी हो, एक कम आया। तो बाहर अभी ऐसा नहीं है कि मेरा मैं कहीं आउटर में हूँ तो मुझे सामान नहीं मिलता है, जस्ट घर से बाहर निकलूँगी तो मिल जाएगा, पर अभी घर से बाहर नहीं निकल रही थी। तो ये एक एक पैकेट नहीं मिल रहा था, ये 2 पैकेट मिल रहा था, इसलिए 2 पैकेट ये लेना पड़ा। एक और देखती हूँ, ये दिखाती हूँ, और ये पेन का डब्बा है जिसमें 20 ब्लू है और 5 ब्लैक पेन है। तो क्या है कि अब एक बार ले आओ तो ये चलता रहता है, बार बार आपको इस चीज़ का झंझट नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये पेन भी, हवा बहुत चल रही है इसलिए दरवाजे की आवाज़ आ रही होगी। ये देखिए इस तरह से ब्लू और ब्लैक है इसमें, और इसमें साथ में रिफिल भी है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ के लिए भी ना, बहुत चीज़ घर में ऐसे होते हैं कि जिसके लिए बाहर जाना पड़ता है, पर इकट्ठा करके सामान मंगा लें तो चलता भी रहता है। और ये देखिए स्पेशली उत्तराखंड से क्या आया है, ये देखिए जब मैं उत्तराखंड का इसमें देखी ना कि उत्तराखंड से आया, तो मुझे अपनी एक न्यू फ्रेंड मिली उत्तराखंड की, तो उसकी याद आ गई कि चलो उसके एरिया से ये आया है। और ये जब आया था इसमें तीन चार कॉपी था या शायद, या 3 है। तो ये बहुत अच्छे से सील था, बहुत अच्छे से। तो जब हमें खोलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं बोली कितना सील क्यों आया है, इसमें क्या हो जाता, ये तो कुछ नहीं हो जाता। बाद में ध्यान आया ना कि यहाँ तो गर्मी बहुत है पर उत्तराखंड में बारिश हो रही थी, तो शायद बारिश की वजह से इसको काफ़ी अच्छे से सील किया हुआ था कि कहीं ये गीला होके ख़राब ना हो। तो ये हो गया फ्रेंड, बस छोटी सी शॉपिंग थी। तो मैं तो जब छोटा सा रेसिपी बनाती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये है फेविकॉल। तो इतना सामान आया है तो भी मेरी बेटी बोल रही है कि मम्मी स्टेशनरी अभी तो नहीं जा सकते ना। मैं बोली कि नहीं जा सकते बेटा, जब कोई ज़रूरत होगा तो फिर जा करके, मतलब इकट्ठा हो जाए सामान और तो फिर मंगा लेना। तो फ्रेंड बस यही दिखाना था। और आप लोग कैसे हैं? और आज मैं स्पेशली ऊपर रूम में आ गई थी क्योंकि ये सब कुछ कुछ सामान ना ऊपर था, तो मैं सोची अब नीचे क्या लेके जाना, चलो ऊपर ही वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग? और अच्छा लगे तो हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और जो हमारे नए सब्सक्राइबर, जितने भी नए फ्रेंड बने हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और फिर मिलूँगी, तो चलिए फ्रेंड फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड को शेयर भी करें। थैंक यू, बाय बाय। फ्रेंड घर बैठे ही शॉपिंग भी हो गई, यानी कि हमें बाहर का ही रेट पड़ा है और उसमें हमें अकाउंट में 300 हमें वापस भी मिल गया, यानी कि फ़ायदे की शॉपिंग हुई ना। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भी है, तो मैं सोची कि आपको प्लेट में निकाल के दिखा दूँ।